जनपद मथुरा में गुरुवार को गोकुल में छड़ी मार होली का आयोजन किया गया, जहां नंद किले से नंद मंदिर के लिए फूल डोला निकाला जाता है। वहीं दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने छड़ी होली का आनंद उठाया। मथुरा में आज गोकुल में छड़ी होली का आयोजन किया गया, जहां नंद किले से नंद महल के लिए फूल डोला निकाला जाता है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने छड़ी होली का आनंद उठाया। आपको बता दें कि रंग भरनी होली के दूसरे दिन गोकुल में छड़ी होली का आयोजन किया जाता है। इसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु गोपी और शाखा के रूप में डोले के साथ चलते हैं और रंग गुलाल अबीर से होली खेलते हैं। आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि होली का आनंद उठाते हुए श्रद्धालु आनंद विभोर हो रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। गोकुल में छड़ी होली की व्यवस्थाओं को रखने के लिए मथुरा प्रशासन ने अनेक व्यवस्था कर रखी है। इस सुरक्षा व्यवस्था में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली का जो हमारे यहाँ का महोत्सव है, हमारे यहाँ लाला छोटे थे तो यहाँ की जो होली का नाम है वो है छड़ी मार होली। हमारे यहाँ लड़कों से होली नहीं खेली जाती है। नंद बाबा के घर में भगवान का बालक पर जीता है तो उनको बालक रूप में होली खिलाई जाती है। इसीलिए हमारे होली का जो महत्व जो दिया गया है वो छोटी छोटी लकड़ियों से, जिसका नाम दिया गया छड़ी मार होली। तो हमारे यहाँ होली छड़ी मार होती है। और अभी हमारे ठाकुर जी का आराध्य का डोला सभी ब्रज गोपियों के साथ में होली खेलने के लिए मुरलीधर घाट पे जाएगा, तो वहाँ तिरंगा भी होगा, नृत्य भी होंगे, दर्शन भी खुलेंगे और वहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को छड़ी मार होली का आनंद या सबको लेने के लिए। विशेष जुड़ी हुई बात यह है कि ये परंपरा चली आ रही है आज से करीबन 200-250 वर्ष पहले से, कि आज भी यहाँ यही परंपरा छड़ी मार होली की जो निर्वाह चली आ रही है, तो ये आगे भी चलती आई है और चलती रहेगी। ये स्थिति कभी बंद नहीं। मून न्यूज के लिए जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।